नमस्कार, मैं मयंक तिवारी, CEO BeIntegrators.com। पूजन सामग्री के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube के ऊपर, बट कहीं पे भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम पूजन सामग्री के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि पूजन सामग्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस या होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजन सामग्री के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है और साथ ही साथ आप प्रोडक्ट कहां से लेंगे। पूजन सामग्री के बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है जिसकी इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। पूजा करने के लिए पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इंडिया एक त्योहारों का देश है, इसमें बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जैसे कि दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, नवरात्र हो गया, इस समय भी पूजन सामग्री की डिमांड बढ़ जाती है। अगर मैं बिजनेस टाइप की बात करूं तो आप तीन तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। पहला, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस कर सकते हैं, होलसेलर बिजनेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रिटेल बिजनेस भी कर सकते हैं, आप एक शॉप लेकर भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पूजन सामग्री के होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस की बात करेंगे। अगर आप पूजन सामग्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा। गोडाउन का जो स्पेस है वो 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट हो सकता है। अब इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपका जो गोडाउन है खुद का है या आपने रेंट पे लिया हुआ है। इसी के साथ साथ आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए 2 सेल्स एजेंट भी हायर करने पड़ेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप अगर 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पूजा सामग्री का डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करूं इस बिजनेस में तो काफी बड़ी रेंज आती है, जैसे कि कपूर, धूपबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, रुई, रोली, सिंदूर, अष्टगंध हो गया, हल्दी, पंचमेवा, हवन सामग्री, पूजन थाली, लहवान, काली तिल एक्सेट्रा, बहुत सारी बड़ी रेंज है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं, अगर आप पूजन सामग्री का बिजनेस करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, कहाँ से कम रेट में आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अगर मैं बड़े मार्केट्स की बात करूँ तो आप दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ये ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ से आप पूजन सामग्री का प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छे दाम पर ले सकते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के अंदर एक सदर बाजार मार्केट है जहाँ से आप पूजन सामग्री का प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दाम पर ले सकते हैं और अपना एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पूजन सामग्री के अंदर तो आप बी इंटीग्रेटर्स के साथ रुद्रांश ब्रांड में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रुद्रांश एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है दिल्ली के अंदर जो काफी अच्छा मार्जिन दे रही है पूजन सामग्री के प्रोडक्ट्स में। अब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं पूजन सामग्री के अंदर तो क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज है इसलिए मार्जिन भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में अलग अलग होता है, बट जनरली 30-50% का मार्जिन आपको हर प्रोडक्ट में मिल जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि हवन सामग्री हो गया या सिंदूर हो गया, उस पर आपको 20-25% का मार्जिन आसानी से मिल जाता है। तो आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं अगर आप पूजन सामग्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेंज अवेलेबल है रुद्रांश ब्रांड के अंदर और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के अंदर भी आता है। आप देख सकते हैं ये धूप बत्ती है, ये हवन सामग्री है, यहाँ पर आप हवन सामग्री देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इनकी हवन सामग्री है, डिफरेंट कलर्स की धूप बत्ती है, इसके पास इनकी समरानी कप है, काफ़ी अच्छा ये धूप बत्ती के तरीके से यूज होता है। अगर आप देखेंगे कि इनका ये कपूर है, कपूर टैबलेट्स है, एक डब्बे के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से पैक आता है, सिंदूर है। अभी इस वीडियो में हम सारी रेंज नहीं दिखा सकते लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेंज इनके पास अवेलेबल है। आई होप ये पूरी वीडियो देखकर आपको पूजन सामग्री के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं या नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मयंक तिवारी फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।